29 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आईं। भीड़ ने कथित तौर पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। ये सब कुछ उस दौरान हुआ जब लोग राम मंदिर निर्माण का फंड जुटाने के लिए रैली कर रहे थे। इस घटना के बाद गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में जनजागरण रैली पर हुए पथराव के बाद पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस ने फायरिंग, जानलेवा हमला, आगजनी और धार्मिक स्थल तोड़ने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध 4 अलग अलग केस दर्ज कर 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ उपद्रवियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चला है। पूरे घटनाक्रम पर अफसर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से गौतमपुरा थाना TI रमेश चंद भास्करे की लापरवाही सामने आई है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल चांदनखेड़ी में शांति बनी हुई है। न्यूज डेस्क।